आपली बस सेवा ऑपरेटर्स पर 15 लाख का जुर्माना मनपा परिवहन समिति ने सुनाया है। यह जुर्माना बसों के रख रखाव पर किया गया है। मनपा परिवहन समिति सभापति बाला बोरकर, इन्होंने खुद सिटी बस डेपो का जायजा लिया, जिसके बाद बोरकर ने ये फैसला लिया है। फिलहाल शहर बस की कमान 3 निजी बस ऑपरेटर हंसा सिटी बस, आरके सिटी बस, ट्रेवल्स टाइम बस को सौंपी है। इन तीनों ऑपरेटर को मनपा ने अपनी बसें भी सौंपी है। ऑपरेटर अपनी बसों का रख रखाव तो नियमित करते हैं, लेकिन मनपा द्वारा सौंपी गई बसों का कोई केयर नहीं है। नियमित रख रखाव नहीं होने से वह कपाट बनती जा रही है। मामूली कारणों से बसें खटारा बन रही है, मनपा की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। आपने बस के ऑपरेटर्स द्वारा बसों का रख रखाव ठीक ढंग से नहीं करने के कारण मनपा परिवहन समिति ने तीनों बस ऑपरेटर पर 5-5 लाख रुपए यानी 15 लाख रुपए का दंड ठोका है। साथ में डिमटम्स कंपनी पर भी 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मैं डिमटम्स कंपनी को डिपो अनुसार पर्यवेक्षक की संख्या बढ़ाकर रोजाना बसों की जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। अव्यवस्था पाए जाने पर डिम्स कंपनी को रोजाना जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया गया है। यह बात ध्यान में आने पर मनपा परिवहन समिति के सभापति बाला बोरकर ने खुद सुबह तीनों ऑपरेटर्स के डिपो का औचक निरीक्षण किया, जिसमें मनपा की कई बसों की स्थिति खराब पाई गई है। ऑरेंज स्ट्रीट डिपो, परिवर्तन डिपो, खापरी डिपो में रखी बसों की हालत चिंताजनक बताई गई है। हिंगना डिपो में 115 बसों में से 3 में बड़े पैमाने पर तकनीकी खराबी मिली। परिवर्तन डिपो में 116 में से 9 बसों में तकनीकी खराबी देखी गई है। खापरी डिपो में 78 में से 1 बस में तकनीकी गड़बड़ी पाई गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ नितिन शेगांवकर की रिपोर्ट।